In the name of Allah, the most compassionate, ever merciful. Good morning, student, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope so, doing well. My name is Mariam. I'm your English teacher. Today, I want to discuss topic about vowels and consonants. Are you ready, student? Let's start now. There are 26 letters in English alphabets. There are 26 letters in English alphabets with speaking English given two type sounds. यहाँ पर students alphabets English alphabets कितने हैं 26 कितने हैं 26 यहाँ हम इनकी two sounds के बारे में पढ़ेंगे. Two sounds कौन सी हैं? Vowels and consonants. Two sounds कौन कौन सी हैं? Vowels and consonants. Vowels, there are five vowels in English alphabets. Vowel sounds कौन सी हैं? A, E, I, O, U. Vowel sounds कितनी हैं? Five. और कौन कौन सी हैं? A, E, I, O, U. Vowel sounds कौन कौन सी हैं? There are five vowels in English alphabets. Vowel sound कौन सी हैं? A, E, I, O, U. Next है consonant sounds. Next हम कौन सी पढ़े? Consonant sound. There are the letter that are no vowels are called consonants. जो A, E, I, O, U vowel sounds के अलावा जो बाकी alphabets बच्चे हैं वो क्या कहलाते हैं? Consonant sounds. वो क्या कहलाती हैं? Consonant sounds. और consonant sounds कौन कौन सी हैं? B, C, T, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, E, W, X, Y, Z. ये कौन से साउंड्स हैं? कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन सी हैं? रिपीट अगेन. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ये कौन कौन से साउंड्स हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अल्फ़ाबेट्स कितनी हैं? 26. और टू साउंड्स कौन सी हैं? वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. और वाउल्स कितनी हैं? वाउल्स की टाइप्स कितनी हैं? फाइव. कौन से वाउल साउंड्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये कौन से साउंड्स हैं? वाउल साउंड्स. नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट साउंड्स. ए वाउल साउंड्स के अलावा जो बाकी अल्फ़ाबेट्स बचती हैं, लेटर बचती हैं, वो क्या कहलाती हैं? कॉन्सोनेंट साउंड. और कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन सी हैं? बी, सी, टी, एफ, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई. ये कौन से साउंड्स हैं? कॉन्सोनेंट साउंड. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? समझ आ गई आपको? नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ए. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ए. ए हम ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं? किस साउंड के साथ करेंगे? ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ करेंगे. किस साउंड के साथ करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ करेंगे. कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हम किसका यूज़ ए का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ. और एन का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? वाउल साउंड के साथ. किसके साथ? वाउल साउंड्स के साथ. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए यूज़ ऑफ ए. टाइगर, अ चेयर, अ मैंगो, अ शार्पनर, अ बुक, अ बॉल. ये कौन से साउंड्स हुए? कॉन्सोनेंट साउंड्स. और इसके साथ हमने किसका यूज़ किया है? ए का. अ टाइगर, अ चेयर, अ मैंगो, अ शार्पनर, अ बुक, अ बॉल. ये कौन से साउंड्स हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स. और साउंड्स. और इसके साथ हमने किसका यूज़ किया है? ए का यूज़ किया है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एन. यूज़ ऑफ एन. एन का यूज़ हम किस साउंड के साथ करेंगे? वाउल साउंड्स के साथ. एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन इंकपॉट, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन अम्ब्रेला. ये कौन से साउंड्स हैं? वाउल साउंड्स के साथ हम इस किसका यूज़ करेंगे? एन का. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? लेट्स स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल, अ बैग, अ डक, अ कैप, a fruits, a jacket, a house, a girl. ये कौन से साउंड्स हैं? ये कौन से साउंड्स हैं? कॉन्सोनेंट साउंड. इसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे. और
an apple, an ice cream, an orange, an umbrella. ये कौन से साउंड्स हैं? वाउल साउंड. रिपीट अगेन. an umbrella, an orange, an ice cream. इनके साथ हम वाउल साउंड्स यूज़ करेंगे. आप बुक फॉर एग्जांपल, जैसे कि हो गया बुक हो गया, आप पेंसिल हो गया, रजिस्टर हो गया, आ शार्पनर, आ चेयर. ये सब के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ कर, जबकि वाउल साउंड के साथ हम ए ई आई ओ यू, इसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे. रिपीट अगेन. लेट्स स्टार्ट लेक्चर. There are 26 letters. यहाँ पे हम पढ़े 26 alphabets हैं. यहाँ पे हम टू साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, vowels and consonant. Vowels कितने vowels हैं? 5 vowel sounds हैं. कौन कौन सी हैं? A, E, I, O, U. और consonant sounds कौन सी हैं? जो vowel sounds के अलावा जो बाकी alphabets बचे हैं वो क्या कहलाते हैं? Consonant sounds. B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, U, V, W, X, Y, Z. ये कौन से हैं? Consonant साउंड. फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा है यूज ऑफ ए एंड एन. ए का यूज हम किस साउंड के साथ करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ. और एन का यूज हम किस साउंड के साथ करते हैं? वाउल साउंड के साथ. यूज ऑफ ए, अ टाइगर, अ चेयर, अ मैंगो, अ शार्पनर, अ बुक, अ बॉल. ये कौन से साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड. अ टाइगर, अ चेयर, अ मैंगो, अ शार्पनर, अ बुक, अ बॉल. ये कौन से साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड. इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? ए का. किसका यूज करेंगे? ए का. नेक्स्ट है यूज ऑफ एन. ए ई आई ओ यू. ये कौन से हैं साउंड्स? वाउल साउंड्स. इसके साथ हम किस साउंड के साथ एन का इस्तेमाल करेंगे? वाउल साउंड के साथ हम एन का यूज़ करेंगे. एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन इंकपॉट, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन अम्ब्रेला. ये कौन से साउंड्स हैं? वाउल साउंड्स. उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी और आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा. अब